गूगल सीट की स्क्रिप्टिंग की इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल स्क्रिप्ट और आपके साथ हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं डेटा वैलिडेशन की। तो हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट स्क्रिप्ट एडिटर पे आते हैं और इसको ओपन होने देते हैं और पहले से कुछ फंक्शन बने हुए हैं उसको हटा देता हूँ मैं ताकि बार बार सेव ना करना पड़े। और यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन और फंक्शन में मैं यहाँ पे वी एल टी नाम दे देता हूँ डेटा वैलिडेशन किया और यहाँ हम वेरिएबल देते हैं कि वेर यहाँ पे सी या सेल कर लीजिए सी इक्वल टू और यहाँ लिखना होगा मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ना होना चाहिए एस पी स्पेयरशीट होता है ना ई ए डी एस एस टी स्पेयरशीट और इसमें कैप्स का भी ध्यान रखना होगा कि स्मॉल लेटर कैप्स लेटर तो स्पेयरशीट में ऐप बड़ा है डॉट। अब यहाँ आता है गेट एक्टिव शीट गेट एक्टिव और गेट एक्टिव में डॉट गेट रेंज करता हूँ मैं डॉट गेट रेंज और यहाँ पे मैं देता हूँ मान लीजिए हमें देना है कॉलम ए वन से लेके ए टेन और यहाँ पे सिंगल कोट होता है कली भाई यहाँ पे जो है सेमी कॉलम दे के इस लाइन को क्लोज करते हैं। अगेन वेर और यहाँ पे आर रूल के लिए लेता हूँ आर और सेम यहाँ पे स्प्रेडशीट से देता हूँ और डॉट न्यू डेटा वैलिडेशन और इसमें देते हैं यहाँ पे बिथ कमांड लगाने की जरूरत होती है रिक्वायर नंबर बिटवीन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे डेट बिटवीन आपको दिख रहा होगा रिक्वायर डेटा रिक्वायर डेट आफ्टर डेट बिटवीन डेट इक्वल ये सारी कंडीशंस हैं। यहाँ पे हमने दे दिया नंबर बिटवीन ठीक है नंबर बिटवीन और नंबर बोलता हूँ कि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का नंबर एक्सेप्ट होगा राइट फिर यहाँ पे डॉट यहाँ पे लिख दिया सेट अलाउ इनवैलिड सेट अलाउ यहाँ पे देना पड़ेगा हमको सेट अलाउ इनवैलिड और इसमें हम देंगे फॉल्स राइट फिर यहाँ पे सिंगल कोट देते हैं सेल्फ हेल्प टेक्स्ट मतलब कि जो मैसेज क्या आएगा हेल्प टेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां देते हैं हेल्प टेक्स्ट जो नंबर है लिख देते हैं कि नंबर बिटवीन 1 एंड 100 और यहां पे बिल्ड देना जरूरी जैसे कि वीवीए में आपको दे देते हैं ना क्या बोलते हैं सेंड जब लोग सेंड करते थे थोड़ी होता था यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मैंने लास्ट में सेमी कोलन लगाया तो यहाँ पे बिथ कमांड जरूरत नहीं पड़ती है आप एक मैटर दे दिया उस एक ही फील्ड में एक यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली चीज है जैसे एक ही आपको ऑब्जेक्ट में कई सारे एक्शन देना है कई सारे सब मेंबर अप्लाई करने हैं
तो आप वन बाय वन करें, बस ये आपका जो ये सेमी कॉलन होता है वो ना दें। सेमी कॉलन से क्या होता है, लाइन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल, मतलब क्रिएट कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि स्पेशली डेटा वैलिडेशन, क्या कंडीशन होगा, तो नंबर बिटवीन 100, क्या इनवैलिड लेना है, नहीं लेना है, मैसेज क्या देना है, ये देना है। ठीक है, बिल्ड मतलब क्रिएट कीजिए। जब तक बिल्ड नहीं देंगे तब तक ये आपका फुलफिल नहीं होगा। बट अभी तक हमने इसको अलाउ नहीं, कहीं पे अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे हम देते हैं सी डॉट सेट डेटा वैलिडेशन, सेट डेटा वैलिडेशन बाय रूल। रूल में हम यहां पे आर दे देते हैं क्योंकि हमारा रूल यहां आर पे क्रिएटेड है। ओके, हम इसको एक बार सेव करते हैं यहां से, और यहां पे रूल में नाम देते हैं, और इसको एक बार प्ले करता हूं। अप्लाई हो गया। अब मैं माइक्रो वन में आता हूं, अब मैं वन देता हूं अप्लाई कर देता है, 500 देता हूं ये अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सर। 5 किया, 10 किया, 1000 किया, अप्लाई नहीं। तो ये डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया आपको? हेलो, लेकिन डेटा वैलिडेशन को हम यहां से भी लगा सकते हैं, डेटा में जाके यहां से भी अप्लाई की जा सकती है। अगर मान लीजिए कभी आपको प्रॉब्लम हुई कि कोड नहीं पता चला, तो आप टूल्स में जाएं और यहां माइक्रो में माइक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। वैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और फिर हमने टूल्स में गए और हमने गया माइक्रो, सॉरी इसमें टूल्स में नहीं, डेटा में डेटा वैलिडेशन, ये देखिए रेंज हमारा आ गया, और क्राइटेरिया क्या करना है, जैसे कि मुझे लिस्ट आइटम यहाँ पे करना है, लिस्ट ऑफ आइटम, और लिस्ट ऑफ आइटम में मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली कॉमा पुणे कॉमा नोएडा, ऐसा हमने लिस्ट बना लिया। ठीक है, शो वार्निंग या रिजेक्ट इनपुट, और यहाँ पे शो डेटा वैलिडेशन टेक्स्ट यहाँ पे हम देते हैं कि प्लीज कुछ ऐसा दे दीजिए, और यहां पे हमने इसको सेव कर दिया। तो यहां पे सेट वैलिडेशन वैलिडेशन हो गया। अब मैं इसको माइक्रो को भी सेव कर देता हूं डेटा डीबी के नाम से, हो गया। अब यहां पे स्क्रिप्ट में आते हैं, अब यहां देखिए कॉपी, आई थिंक इसमें एरर, माइक्रो में आते टूल्स माइक्रो डीवी एरर मिल गया। हेलो, एरर दिखा सर, एरर है डीवी। तो इसमें और उसमें हम देखिए सेम चीज है ना, बस इसमें क्या है कि हमने पहले वेरिएबल रिक्वायर किया है, देन अप्लाई किया, इसने डायरेक्ट कर दिया स्पेशली डॉट गेट गेट रेंज और सेट डेटा वैलिडेशन, समझे, सेट ऐप डॉट न्यू डेटा वैलिडेशन, सेट डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन के रूल के लिए न्यू डेटा वैलिडेशन ले लिया, और इसके नीचे जो है आप आपके लिस्ट डालते चला गया, सेट अलाउ इट वैलिड, और यहाँ पे दिख रहा है रिक्वायर वैल्यू इन लिस्ट, और अपना लिस्ट यहाँ पे डाल दिया, और बिल्ड और साथ में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लियर है? हाँ, तो जैसे कि आपने डेटा वैलिडेशन जो नॉर्मली इस्तेमाल किया उसी का आपने कोड किया, अब इसको इसे लूप वगैरह में या कई सारे जगहों में
हाँ दिखा देगा। आपकी वॉइस सर। हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ अभी आ रही है सर। तो समझ में आ गया सर आपको, मैं इसको भेज। नहीं आप इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है ठीक है। आपकी ईमेल आईडी कौन सी है? विजय पाटिल 24 वाली है। हेलो ऑनलाइन, ठीक। तो मैं कोड भेज देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है क्लियर सर, इसको अप्लाई कीजिए। अभी कल हम आपको चार्ट्स का बताएंगे कि चार्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे सीट के ऊपर।